स्टूल का था तो इसको मैंने कलर कर लिया। इसका सबका मैं मिक्स मत करके कुछ ना कुछ क्राफ्ट बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं क्या क्या बनाती हूँ इनसे। तो फर्स्ट जो क्राफ्ट है मेरा वो है ये एक स्टूल बनाने वाली हूँ मैं। पुराना मैंने सामान था ये स्टूल का ढक्कन वगैरह, इसको मैं कलर कर लूँगी। इस टाइप से मैंने पहले इसमें पार्ट कर लिए हैं और फिर जो एक्रिलिक कलर होते हैं उनसे मैं कलर कर रही हूँ। और कॉम्बिनेशन ऐसे रखने हैं जो थोड़े ब्राइट कलर हों, कंट्रास्ट एकदम अच्छे लगते हैं। तो ये पूरे में कलर कर लिया है और उसके बाद थोड़ी आउटलाइन भी कर लूँगी मैं वाइट कलर से। और ये पेपर पे मैंने क्राफ्ट थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन काट के और इस टाइप से डिज़ाइन बना लिया है। फिर बड्स से ये डॉट डॉट कर लिए हैं। जो भी कोई डिज़ाइन वगैरह माइंड में आ रहा है वही सारा इसमें लगा देना है बस। और जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो मैं पूरा वाइट से ही बनाऊँगी। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो बॉक्स था उस पर भी मैंने कलर कर लिया है हाफ एंड हाफ। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर से स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। जितना ब्राइट कलर इसमें यूज़ करेंगे ये उतना ही सुंदर लगेगा। थोड़ा राजस्थानी लुक आता है इसमें जो ब्राइट कलर लगा हम लगाते हैं तो। और मुझे राजस्थानी स्टूल ही बनाना था तो क्रिएटिव माइंड यही है कि बस जो भी कोई पुराना सामान देखो, कबाड़ देखो, उससे हमें क्या माइंड में आता है, क्या हम बना सकते हैं उसका। ये इस टाइप से पूरा येलो, रेड, ग्रीन, वाइट ये सारे कलर मैंने इसमें डाल दिए हैं। और जो भी माइंड में आ रहा है बस वो डिज़ाइनिंग कर रही हूँ मैं इसमें। तो ये रेड कलर से मैं येलो पे रेड करूँगी और रेड पे येलो। पूरे में मैं इस टाइप से ये बैंगन जैसे बना रही हूँ और फिर उसके बाद ब्लू कलर से इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। और रेड पे येलो ले लिया है मैंने कंट्रास्ट। क्राफ्ट करने का बचपन से ही बहुत ही मुझे शौक था, लेकिन अब शादी के बाद थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे। तो अभी बच्चे थोड़े से अब बड़े हो गए हैं तो मुझे टाइम मिल जाता है, इसलिए मैं थोड़ा क्राफ्ट भी कर लेती हूँ और स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। और ये सब अपना जो हमारी हॉबी होती है उनको हम करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत एकदम मुझे तो रिलैक्स महसूस होता है। और ये भी ढक्कन है, बाल्टी के ढक्कन है। ये जो बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के, पेंट के डब्बे थे ये, उनके ये ढक्कन है। इसको मैंने एक को येलो कर लिया और एक को रेड कर लिया है। इसके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेना है। तो जो कॉम्बिनेशन हमने ऊपर जो स्टूल में यूज़ किया था वही मैं इसमें भी यूज़ कर लूँगी। येलो है, वाइट है, रेड है, टाइप से जो भी माइंड में आता जाएगा वो डिज़ाइनिंग करते जाएंगे।
फिर इसके ऊपर एक के ऊपर एक चिपका देंगे इसको फेविकोल से। हॉट ग्लू गन है तो उससे भी हम इसको चिपका सकते हैं। मेरे पास हॉट ग्लू गन नहीं थी तो मैं फेविकोल से ही इसको चिपका रही हूँ। तो इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा ये स्टूल हमने अरेंज कर लिया है और अब रेडी है मेरा स्टूल। के ऊपर डेकोर करने के लिए थोड़ा राजस्थानी कुछ हम बना लेते हैं। ये जो है एनिमल वगैरह जो बच्चों के टॉय होते हैं उनको भी कलर करके हम रीयूज कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों के एनिमल्स होते हैं उस पर भी मैंने कलर कर लिया है। ये कैमल था और एक ये कान्हा जी का झूला था लकड़ी का, तो वो घर पे मेरे था, मेरी बहन के यहाँ पे मैं ले आई थी उसको, और मैंने इसको कलर करके इस टाइप से पूरा न्यू लुक दे दिया है। थोड़ा सा और पुराना सामान यूज़ करके मैंने ये रथ बना लिया है। और ये छोटू से एक कान्हा जी मेरे पास हैं तो मैं उनको भी इसमें बैठा दूँगी। तो देखिए कितना सुंदर रथ बन गया है। और ये बनाने के लिए मैंने ले लिया एक वॉच का बॉक्स। ये कर्टिन में जो साइड में लगता है पाइप के, तो उसमें से ये टूटा हुआ कुछ था और ये एक बेल थी। तो इनको सबको अरेंज करके मैं बना लूँगी एक बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स बन जाएगा ये डेकोर पीस। तो ये लेस वगैरह लगा के, और ये कार्ड में जो आता है शादी के कार्ड में वो मेरे पास था, तो ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट था तो इसको मैं गरम करके थोड़ा सा और मैंने कर्व कर लिया है। अब मैं इसको इस पर स्टिक करूँगी फेविकोल से। तो ये अब आसानी से कर्व होके इस पर स्टिक हो गया है। तो ये एक मेरे पास बाउल का ढक्कन था उसको भी मैंने कलर कर लिया है रेड कलर और डिज़ाइन कर लिया है थोड़ा, तो इस पर भी मैं इसके साथ इसको अरेंज कर लूँगी। और ये मेरा बन गया एक डेकोर पीस, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो। और नेक्स्ट जो है वो एक ये लैम्प भी बनाया है मैंने, और इसमें बल्ब भी लगाया है, और ये लैम्प बनाया है जो चॉकलेट वाले बॉक्स होते हैं उससे बनाया है ये। और ये ऊपर जो है वो प्लेट जो हमारी डिस्पोजल प्लेट होती है उनसे। तो देख लाइक कर देना, और इसी टाइप के रीयूज आइडियाज़ देखने के लिए, ड्रेसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।